morning. This is Ahead Academy. I'm Dr. Yashmi Jaiswal. Today we'll be doing oral surgery class, and the topic for today is impaction. Crestal is an incision. अब incision और flap का क्या difference है? जब हम crestal में चलाते तो आप दांत निकाल लेते हो, है ना? Crestal में चलाते हैं, incision देते हैं, एक दांत के राउंड, उसको हम crestal बोलते हैं। तो flap कहाँ हुआ? अगर उसी क्रिस्टल को मल्टीपल टूथ पे दे देते हैं तब वो कौन सा फ्लैप बन जाता है? अगर बहुत सारे दांत पे क्रेविक्स क्रेविक्स पे चलाते जाएंगे तो क्रेविकुलर फ्लैप का क्या नाम होगा? क्रेविकुलर फ्लैप को भी पढ़ा है बुक में, लिखा था, क्रेविकुलर इंसिजन लिखा रहता है, एनवेलप फ्लैप। सो द फ्लैप इज नेम्ड एज एनवेलप फ्लैप। क्रेस्टल इंसिजन होता है, कभी भी क्रेस्टल फ्लैप नहीं होता। वर्ड नहीं यूज करते फ्लैप, हम उसको इंसिजन ही कहते हैं। वैसे क्रेविकुलर को हम इंसिजन कहते हैं, जब आप मल्टीपल टूथ पे दे देंगे तो उसको एनवेलप फ्लैप बोलेंगे। सो एनवेलप फ्लैप इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल क्रेविकुलर फ्लैप्स। और क्या फ्लैप पड़ा? ट्रायंगुलर फ्लैप में क्या होता है? ये जो बेसिक फ्लैप आपको बता रहे हैं ना, एनवेलप फ्लैप, ट्रायंगुलर फ्लैप, ट्रापेजॉइडल फ्लैप, ये आपको हर डिपार्टमेंट में चाहिए, नॉट ओनली ओरल सर्जरी। आप पेरियो करोगे तब चाहिए, आपको एंडो में चाहिए, एपिसेक्मी करनी है तब चाहिए, है ना? सो एवरी डिपार्टमेंट नीड्स दिस फ्लैप्स, एंड दीज आर दी बेसिक यू नो डेंटिस्ट्री फ्लैप। आपको एनवेलप फ्लैप और ट्रायंगुलर ट्रापेजॉइडल फ्लैप लगाना आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर दांत टूट गया और आप नहीं निकाल सकते तो आप फ्लैप देंगे। तो सबसे पहले आप एनवेलप फ्लैप देंगे, उससे भी आपको विजिबिलिटी नहीं होती है, तो यू विल टर्न द एनवेलप फ्लैप इनटू अ ट्रायंगुलर फ्लैप। नाउ अगेन इफ यू डोंट हैव द विजिबिलिटी यू विल चेंज द ट्रायंगुलर फ्लैप इनटू अ ट्रापेजॉइडल फ्लैप। सो द एडवांटेज ऑफ द बिगर फ्लैप इज दैट इट कैन बी मॉडिफाइड बाय अ स्मॉलर फ्लैप। सो दिस इज वेरी गुड ना, आपने एनवेलप फ्लैप दिया, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपने एक रिलीजिंग इंसिजन दिया।